প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আজ নতুন দিল্লিতে বৈঠক করেন। তার সঙ্গে ছিলেন দলের 10 জন সাংসদ। তার বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এক্স বার্তায় দলীয় সাংসদ সহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে জানানো হয়েছে। বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে দেওয়ার বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখবার আশ্বাসও দিয়েছেন। मैंने जो बात आपने देखा कि हमारा 100 दिन का जो रुपया नहीं मिल रहा है, जिन्होंने काम किया है गरीब लोगों ने, उसका रुपया भी बंद हो पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेटरी है, ये रुपया देना चाहिए। जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा हम लोगों ने, पूरा ऑफिसर ने वो क्लैरिफिकेशन दिया, बात भी किया है। आज तक कुछ नहीं मिला। हम पहले भी तीन दफे प्राइम मिनिस्टर को मीट किया है और ये दफे भी मीट करके जा रहा हूँ। हमने चाहते हैं कि इसको गरीब लोगों को रुपया बंद करके रखना ठीक नहीं है, ये हम लोगों ने कहा है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना और कहा है ठीक है, हम दो ऑफिसर स्टेट का सेंट्रल को बैठ के मीट करके इसको कोई डिसीजन हम ले लेंगे। इतना तक हमारे साथ डिस्कशन हुआ है।